सामने आप तस्वीरों में देख सकते हो कि शहीद के श्रद्धांजलि में लोगों का एक जन सैलाब उमड़सा पड़ा है और लोगों की भीड़ मतलब दर बढ़ती ही जा रही है और शहीद के पार्थिव शरीर आने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं एक जन सैलाब है और इन जन सैलाब में आप भीड़ की जनसंख्या देख सकते हैं और गाड़ियों की। इस तरह से अपने शहीद के सम्मान में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और अपने शहीद के पार्थिव शरीर को देखने के एक झलक देखने के लिए ये सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। सामने आप तस्वीरों में देख रहे होंगे इस तरह से है माहौल और लोग धूप को धूप नहीं समझ रहे हैं और अपने शहीद के पार्थिव शरीर को देखने के लिए एक झलक देखने के लिए ये सारा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन है जिसने भारत माता की सेवा करते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दिए और उनके पार्थिव शरीर को के इंतज़ार में लोग अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। ऐसे सामने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे और ये वही मंदिर है जहां पर ये मट्टी आप देख रहे होंगे। इस मट्टी को वही वीर सपूत ने अपने फड़वे और कुदाल से ये सारी मट्टियों को पाटा था। ये सामने ये मंदिर है, आप देख सकते हैं उनका बड़ा योगदान है इस मंदिर में। और ये बाहर का कुछ नज़ारा है और सामने भीड़ की जन सैलाब आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती हुई ऐसा है पस मंजर। अपने शहीद को एक नज़र देखने के लिए लोगों की एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सामने देख सकते हैं यही उस शहीद परिवार का ये मकान है और ये पीछे का रास्ता है और यहीं पर शहीद परिवार रहता है।